वेरी कंफर्टेबल चेयर, आई फील लाइक नॉट मूविंग फ्रॉम दिस चेयर। यू नो वॉट इज वन थिंग गुड अबाउट रॉकिंग चेयर इज इट मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल, बट वॉट इज अ नेगेटिव थिंग अबाउट इट, यू डोंट गो एनीवेयर। सो आई वॉज रीडिंग दिस बुक गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस, एंड दिस बुक ब्यूटिफुली एक्सप्लेन इन द फर्स्ट लाइन दैट गुड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बींग ग्रेट। So let me share something about comfort zone, because if you want to do great things in life, you have to move out of a comfort zone. So एक गांव में ना एक फार्मर होता था, वो दिन रात बहुत मेहनत करता था, और जब वो शाम को घर पे आता था ना तो वो एक रॉकिंग चेयर पे बैठ जाता था। तो उसका एक कुत्ता, क्यूट सा कुत्ता होता था, डॉग, वो उसके साइड पे आके बैठ जाता था एंड वो अपनी रॉकिंग चेयर ऐसे हिलाता रहता था और कुत्ता को ऐसे हिलाता रहता था। बट कुत्ता ना कुछ देर बाद ना आवाज़ें मारता था लाइक रोने की, लाइक आउ। तो बट वो आराम से रिलैक्स होके पूरी टाइम उधर आधा एक घंटा निकालता था। तो एक बार ना जो उसका नेबर था फार्मर का, वो कहता है यार ये इसको अपने कुत्ते की नहीं पड़ी है। वो अब फार्मर के पास जाता है, बोलता है यार इस कुत्ते को कहीं दिखा लो, ये बीमार हो गया है, रोता रहता है और कुत्ते का रोना शुभ नहीं माना जाता, गाँव में ऐसी प्रथा थी। तो कहते हैं नहीं यार इसे कुछ नहीं हुआ है, ये रो इसलिए रहा है कि यहाँ पे ना मेरे रॉकिंग चेयर पे की लगी हुई है और उसकी ना ये बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, तो इसको अच्छा लगता है कि मैं ये मेरे पास बैठता है और मैं इसको सहलाता हूँ। बट जब इसको कील चुभती है ना तो ये आवाज़ें मारता है, चीखता है। तो कहता लेकिन इसको चुभ तो रही है बट इतनी नहीं चुभ रही, ये उठ के कुछ और अपनी तशरीफ कहीं और ले आए। तो दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ कम्फर्ट जोन, कि आप कंफर्टेबल तो हो बट इतना नहीं पिंच कर रहे कि आप उससे उस पोजीशन से उठ के कुछ और पुश करके कुछ और कर लो। सो if you want to grow in life na, you have to move out of your comfort zone. So I was very comfortable in my life, but I have decided ki boss every time I become comfortable I will move out of my rocking chair and do something. So do like my this video and subscribe to my channel for such exciting videos, and do share your comments ki how you have moved out of your comfort zone. Thank you.